घड़ी जरूर मिलाइएगा, हम तो मिला रहे हैं। चेतक ड्रिल की रिपोर्ट कमांडर द्वारा। और अब चेतक ड्रिल, जी हां, अपनी नजर सामने रखिए, कुछ हैरत अंगेज ऐसा दिखेगा। और घड़ी पर जरूर नजर रखिएगा कि कितनी जल्दी ये उस काम को अंजाम देते हैं। जी हां, कमांडेंट महावीर प्रसाद, उनकी अधिकारियों की टीम, और इस समय आप सभी के समक्ष प्रदर्शन को आगे बढ़ते हैं यह चेतक ड्रिल। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राकृतिक आपदा के समय अगर रुकावट आ जाए तो सीमा प्रहरी उस रुकावट को भी पार करते हुए कैसे जनजीवन की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये अपना काम शुरू करेंगे, हम अपने स्टॉप वॉच को बिल्कुल चला देंगे, कम बोलने की कोशिश करेंगे ताकि कंसंट्रेशन कहीं खराब ना हो। और ये बहुत ही, और ये इनका शुरू हो गया प्रदर्शन। पहले कदम के साथ ही हमने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया था और बड़ी तेजी के साथ ये इसे अंजाम देते हुए, एक ऐसा दृश्य जो प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर संकट आए तो किस तरह इस भारी भरकम गाड़ी को मेडिकल टीम या राहत और बचाव कार्मिक को लेकर किस तरह जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, उसी का प्रदर्शन। यूं तो फौज में 1 मिनट ड्रिल का सिस्टम है, लेकिन ये इतने बड़े प्रदर्शन को, इसे नाम हमने दिया है चेतक ड्रिल। जी हां, चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और कुछ ऐसा ही कर दिखाने वाले हैं। और ये 1 मिनट 10 सेकंड, और ये इन्होंने कर दिखाया। और ये चल पड़े हैं, 1 मिनट, ठीक 1.5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने इसे कर दिखाया है। जी हां, ये प्रदर्शन अभी आपके समक्ष प्रस्तुत होता हुआ। और अगर और यहां हम आपको बता दें कि यह गाड़ी एक ऐसी गाड़ी जो पुरानी और नकारा है, उसे तैयार करके इन्होंने इसे अंजाम दिया है। अपने प्रदर्शन के समापन के उपरांत अब आपके समक्ष